नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज स्ट्रीट्स पे। आइए देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स। डेट है 14 जुलाई 2019। विल सी द टॉप हेडलाइंस एंड देयर डिस्क्रिप्शन, सो लेट्स बिगिन। सो द टॉप हेडलाइंस आर, द फर्स्ट वन इज न्यू एयरपोर्ट ऑफ बिहटा विल हैव सेवरल स्टैच्यूज। तो बिहटा पे जो नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वहाँ पे बहुत सारे स्टैच्यूज को लगाया जाएगा। The next news is ₹2.5 for 1 kilometer journey with CNG in car। अगर CNG कार में लगा लेते हैं तो पटना में अब 1 kilometer का डिस्टेंस ₹2.5 में ही कवर कर लेंगे। सो दैट वॉज द न्यूज़। सिविल कोर्ट विल बी लाइटेंड बाई सोलर एनर्जी। सिविल कोर्ट के ऊपर सोलर पैनल लगा दिया जाएगा, सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जिसके वजह से सोलर से एनर्जी जनरेट किया जाएगा एंड देन सिविल कोर्ट्स विल बी लाइटेंड अप। द नेक्स्ट वन इज स्किल कार्निवल ऑर्गेनाइज अंडर बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन जो चल रहा है हमारे स्टेट में गवर्नमेंट का, उसके अंडर स्किल कार्निवल को ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? तो ये पटना में हुआ था। शास्त्रार्थ वॉज ऑर्गेनाइज एट राजेंद्र मंडप ऑन द प्रीमिसेस ऑफ राजभवन। तो राजभवन में शास्त्रार्थ हुआ था, जिसको लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन इन संस्कृत भी बोला जाता है, और ये ऑर्गेनाइज हुआ था राजेंद्र मंडप इन द प्रेमिसेस ऑफ राजभवन। तो ये थे इंपॉर्टेंट न्यूज़। आइए देख लेते हैं इन सभी का डिस्क्रिप्शन। सो न्यू एयरपोर्ट बिहटा में बनना है, वहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज़ लगाए जाएंगे बिहार के इम्पोर्टेंस, बिहार में जो एंशियंट टाइम में बनाया गया था उन सभी का स्टैचू टाइप लगाया जाएगा बिहार में एंशियंट पीरियड को ग्लोरीफाई। बिहार का जो एंशियन पीरियड था बहुत ग्लोरीफाइड था, उस चीज़ को शो करने के लिए बिहटा में ऐसे अरेंजमेंट किया जाएगा। और बिहटा एयरपोर्ट का डेडलाइन को, एयरपोर्ट को कंप्लीट करने का डेडलाइन कब है, ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि कौन से स्कीम का डेडलाइन कब है, या फिर कोई भी बहुत मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका डेडलाइन कब है। तो इसमें हम ये देख लेंगे कि न्यू एयरपोर्ट ऑफ बिहटा जो है उसको कंप्लीट कर दिया जाना है 2022 तक। तो डेडलाइन जो है न्यू एयरपोर्ट ऑफ बिहटा का वो है 2022। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये प्रीलिम्स के लिए तो नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कैसे एनर्जी कंजर्वेशन कर रही है सरकार, और कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का स्टेप ले रही है सरकार। तो इसमें ये हम डाल सकते हैं कि अभी क्या है कि सीएनजी अगर आप ऑपरेट करवा लेते हैं, अपने सीएनजी किट अगर आप डलवा लेते हैं अपने कार में इन पटना, तो व्हाट यू विल गेट जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट जो मिलेगा उससे आप कार को आप चला सकते हैं 1 किलोमीटर ₹2.5 में ही, विच इज़ वेरी लेस। अगर आप पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा बजट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्चा हो जाता है। बट व्हेन यू आर शिफ्टिंग इट टू सीएनजी, द अमाउंट विल बी रिड्यूस टू ₹2.5 per kilometer, सो विच इज़ वेरी बजट फ्रेंडली फॉर द सिटीजन्स ऑल्सो, द रेसिडेंट्स ऑल्सो। और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, जो स्टेट में हमारे पटना में जो पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज़ हो गया वो भी कंट्रोल हो पाएगा। तो ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट था। सिविल कोर्ट विल बी लाइटेंड बाय सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से सिविल कोर्ट्स को लाइटन किया जाएगा, वहाँ पे बिजली का उत्पादन होगा जो कि अराउंड 70 किलोवाट कैपेसिटी का होगा, जिसके वजह से सिविल कोर्ट्स जो हैं उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस नहीं होगा, सोलर से जो एनर्जी जनरेट होगा उसी को यूज़ किया जाएगा। तो दिस वॉज न्यूज़। नेक्स्ट स्किल कार्निवल। तो स्किल कार्निवल ऑर्गेनाइज अंडर बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है वो गवर्नमेंट का स्कीम है, इट्स अ काइंड ऑफ योजना, ये मिशन है गवर्नमेंट का जो कि 2010 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता है कि जो यूथ हैं, यूथ में स्किल डेवलपमेंट किया जाता है सो दैट दे कैन फाइंड अ गुड जॉब फॉर देमसेल्फ। तो इसलिए ये होता है। और ये जो स्किल कार्निवल था, स्किल कार्निवल को इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था क्योंकि वर्ल्ड स्किल यूथ डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पटना में, और उसी के अंडर स्किल कार्निवल हुआ था। बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट भी हुआ, बहुत सारे लोगों को जॉब भी ऑफर हुआ था स्किल कार्निवल में। तो ये था। और ये स्किल कार्निवल कहाँ हुआ, तो ये पटना में हुआ था, ये मैंने मेंशन नहीं किया है, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस happened in Patna, okay।
ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, क्योंकि वर्ल्ड स्किल यूथ डे फर्स्ट टाइम इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड, तो कहाँ पे? तो इट इज़ इन पटना. नेक्स्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि शास्त्रार्थ हुआ था, जो कि शास्त्रार्थ जो है ये एंशियंट टाइम्स में हुआ करता था, तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है और इस चीज़ को वापस से रिजुमिनेट करने के लिए, वापस से इसको इसका इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए इसको अब कंडक्ट किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. राजेंद्र मंडप इन द प्रेमिस ऑफ राजभवन में हुआ था शास्त्रार्थ. तो यही था इम्पोर्टेंट यहाँ पे. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप वॉचिंग अस एंड अपडेटिंग योर सेल्फ. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नॉलेज ट्वीट्स. ऑल्सो यू कैन फॉलो द पेज ऑफ नॉलेज ट्वीट्स ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर. एंड यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू सी वीडियो, वट एवर यू वॉन्ट नोट्स, यू कैन रिक्वेस्ट अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज नॉलेज ट्वीट्स अगेन. तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, टेलीग्राम पे हो या फेसबुक पे हो या ट्विटर पे हो या इंस्टा पे हो, कहीं भी आप फॉलो कर सकते हैं इसका. और अगर आपको कुछ भी चाहिए नोट्स, या आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड देन वी विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू आउट. ओके, सो दैट्स इट. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नॉलेज ट्वीट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.